DDC की लाखी आई थी, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लाखी लड़ी थी, हमारे जहाँ पे बोलवाल ब्राह्मणा में रूलित लाया था। ताराचंद जी भी तो पार्टी छोड़ के गए थे, ताराचंद ने कांग्रेस के खिलाफ काम तो नहीं किया आज तक। DPAP में जाना वो कांग्रेस के खिलाफ ही होता है। जब चुनाव लड़ना ही सब कुछ सियासत नहीं होती ना, आपने एक अलग पार्टी में जाकर कई सारे नेताओं को आप साथ में ले गए, फिर कुछ अंतराल के बाद दोबारा वापस आते हैं, उस नेता के ऊपर कैसे लोग विश्वास करें, कांग्रेस के ऊपर कैसे भरोसा करें, वो अपनी लड़ाई से छूटे तो लोगों की लड़ाई लड़े। अब कांग्रेस के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी की जो नीति है, माननीय राहुल गांधी जी जो खड़गे साहब की जो नीति है, जो भी पार्टी के खिलाफ चलता है, जो भी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, वो 10 साल के कांग्रेस का बलाज है, 10 साल के लिए पार्टी के अंदर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर इतना बड़ा नेता पूर्व डिप्टी CM ताराचंद चुनाव कहाँ से लड़ने जा रहे हैं, अखनूर से लड़ने जा रहे हैं, शाम से लड़ने जा रहे हैं? ताराचंद अखनूर में भी कंपेन करेंगे, खोड में भी कंपेन करेंगे, मड में भी कंपेन करेंगे, क्या नाम है, रामबन में कंपेन करेंगे, जम्मू कश्मीर चुनाव कहाँ लड़ेंगे? वो कमेंट कमेटी के चेयरमैन है, चुनाव कहाँ लड़ेंगे? जहाँ भी पार्टी चाहेगी, जहाँ भी पार्टी चाहेगी, जहाँ भी ताराचंद चाहेंगे, वो वहाँ चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ आपको लगता है कि अखनूर और शाम को लेकर खास कांग्रेस करने जा रही है? सबसे पहले मुद्दा जो होगा, जितने भी डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम सबसे पहले हमारी जब जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनेगी, हम उनको रेगुलाइज करेंगे। लगाए भी शायद आप ही की सरकार। हमने लगाए हैं तो हम ही परमानेंट करेंगे। आपके समय में भी लगभग 6-7 साल तक ये लोग लगे रहे, तब क्यों नहीं आखिर इन लोगों को परमानेंट किया गया? देखो, जब आपको पता होगा, जब हम ये मसला हल करने वाले थे तो वो 2014 में बाढ़ आ गई थी, वो बाढ़ में हमारा जो हमारी सरकार चली गई, अगर लोगों का भविष्य भी उस बाढ़ में चला। लगभग 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव जो हैं वो निकट आते नजर आ रहे हैं। फुल इलेक्शन कमीशन की विजिट के बाद सियासी सरगर्मियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आए दिन बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसी बीच जम्मू और छम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच होता आया है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता बोधराज शर्मा जी। इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितनी तैयार है कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए। सबसे पहले बोधराज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, लगभग 10 वर्षों के बाद चुनाव होने लगे हैं, एक लंबा अंतराल है, कितनी बेसब्री से लोगों को इस चुनाव का इंतजार था? देखिए अतुल जी, आपने चुनाव की बात की, पिछले 10 साल से 2014 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद आज 24 चल रहा है, तो 10 साल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो लोग थे बहुत परेशान थे, बहुत दिन प्रतिदिन इतने उनके ऊपर माफिया हावी हो रहे थे, सब बाहर के लोग जो हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो किया वो भारतीय जनता पार्टी के हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक जानता है। लेकिन आप ये बिल्कुल कह रहे हैं कि लोग त्रस्त हैं, 10 साल से भाजपा की नीतियों से लोग तंग हैं, तो फिर आखिर क्यों 2019 की बात करें तब भी MP जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत गए, 2024 की बात करें इसमें भी जो है सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि लोग तो सेटिस्फाइड हैं इनसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो लोगों ने मैंडेट दिया था, स्पेशली जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया 2014 से लेके, चाहे वो MLA की बात करें, वो जम्मू से गए, क्या मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से बने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से बने, जम्मू के लोगों को कह दिया, बाइन छाप जम्मू के जम्मू डिवीजन में खोली, बेरोजगारी, करप्शन, माफिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को दिया, पेपर लीक किया गया, आप जानते भली बात जानते हैं। लेकिन वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप इतने आरोप लगा रहे हैं उस पार्टी के ऊपर, लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि वही पार्टी लगातार जीतती हुई आ रही है? अतुल जी, एक्सपेरिमेंट जम्मू के लोगों ने किया, बहुत बारे में अच्छा नहीं हुआ। 2024 में आपने देख लिया मेंबर पार्लियामेंट की क्या हालात हुए। अच्छा, जो आप वो भी भाजपा जीती है तो कुछ कमियां कुछ कांग्रेस में भी रही हैं, कांग्रेस की मैनेजमेंट में, मैं सच बोलूंगा, कांग्रेस की मैनेजमेंट में तो कमियां रही हैं, क्योंकि लोगों ने हमें बढ़ चढ़ के वोट दिया, वो हम वोट को इकट्ठा नहीं कर सके। गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बार, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। अब आप गुटबाजी कहाँ, कौन कांग्रेस में गुटबाजी है? तो फिर मैनेजमेंट किस तरह की मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की अतुल जी बात यह है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, हम लोगों ने हराया नहीं है, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। जो कम से कम कमियां रही हैं वो कांग्रेस की तंजीम में कमियां रही हैं, वो वोट को वो जीत में नहीं बदल सके, ये बात है। आपने बात की गुटबाजी की, 24 जी आपने गुटबाजी की बात की, कांग्रेस के अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं है। वो लोग जो हाँ, कुछ लोग भाजपा की मुखबरी के लिए, वो हमेशा भाजपा कुछ भी हत्या करने अपना सकती है, भाजपा की मुखबरी करते हैं, वो क्या करते हैं, जब इलेक्शन आती है, अतुल जी आप रिकॉर्ड देख लें, तब रावनाथ मेंबर पार्लियामेंट की पंडित मंगतराव ने इलेक्शन लड़ी, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस के में रहते हुए भाजपा को वोट दिलाया, भाजपा का साथ दिया, फुल कांग्रेस चलाई। रमण बल्ला ने इलेक्शन लड़ी तो फुल कांग्रेस चलाई, धर्मपाल जी ने इलेक्शन लड़ी तो फुल कांग्रेस चलाई। अब
ताराचंद ने इलेक्शन लड़ी तो फुल कांग्रेस लाई। जब भाजपा को, भाजपा का एक हथियार है, भाजपा पैसे दे के उन लोगों को आगे करती है, तो भाजपा का कांग्रेस के अंदर कोई गुट नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। जब रमन बल्ला ने भी चुनाव लड़ा, बहुत सारे कांग्रेस के नेता ऐसे थे जो किसी ना किसी कारणवश जो है उन्होंने खुलकर प्रचार नहीं किया। उसमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद भी हैं, उसमें बलवान सिंह भी हैं। लगातार इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जिस तरह से प्रचार करना चाहिए था, क्योंकि ताराचंद जो है वो एक स्टेट लेवल के लीडर हैं, वो केवल अखनूर और खोर तक सीमित रह गए, ऐसा क्या था? देखिए अतुल जी, शायद मुझे लगता है कि आपको जानकारी कम है। माननीय ताराचंद जम्मू कश्मीर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, ये बात बने उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन में, चाहे आरसपुरा की बात करें, जब बाकी अखनूर शाम खोड बाकी बड़े बड़े जो रैलियां थी, अब जहां नॉमिनेशन फाइल करने के, आप भी वहां का, आपके चैनल भी वहां कवर कर रहा था, वो ताराचंद जी बहुत बढ़ के बहुत साथ दिया है और बढ़ के कंप्लेंट की है। तो किन लोगों पे इशारा है जो लोग साथ नहीं दे रहे थे? जो साथ नहीं दे रहे थे वो आप जानते हैं, आप नाम लीजिए, खुल के नाम लीजिए। इसमें जो जब DDC की इलेक्शन आई थी, उन्होंने कांग्रेस का इलेक्शन लड़ी थी हमारे यहाँ पे बुलवाल ब्राह्मणा में, रुलित लाया था। जब ताराचंद जी भी तो पार्टी छोड़ के गए थे, ताराचंद ने कांग्रेस के खिलाफ काम तो नहीं किया आज तक, DPAP में जाना वो कांग्रेस के खिलाफ ही होता। जब इलेक्शन, अगर मुझे एक इलेक्शन बता दे कोई, अतुल जी आप बता दें, चुनाव लड़ना ही सब कुछ सियासत नहीं होती ना। आपने एक अलग पार्टी में जाकर कई सारे नेताओं को आप साथ में ले गए, फिर कुछ अंतराल के बाद दोबारा वापस आते हैं, उस नेता के ऊपर कैसे लोग विश्वास करें? अतुल जी वो लोग जो बाकी कितने नेता जो DAP में थे, वो सारे लोगों को, ज्यादा लोगों को लेके आए थे, गए भी ज्यादा लोगों के। आज कांग्रेस मजबूत अगर है जम्मू डिवीजन के अंदर, तो माने ताराचंद की वजह से है। जो बात कोई नेता जो है, जो बाहर के जो लोग हैं ना, जो भाजपा, जो भाजपा के स्पॉन्सर, भाजपा जो पैसा दे के लक्ष्य लड़ा दी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने की साजिश और पार्टी को खोखला करने जाते हैं, अब वो कांग्रेस नहीं रहे। अगर इसी तरह से आपस में लड़ते रहेंगे तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मेंबरशिप की बात करती है, उससे कैसे लड़ेंगे जब आपकी अंदरूनी लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही? अतुल जी जब भी लक्ष्य आई है, मैंने पहले आपको कहा भाजपा ने ये सारे हथकंडे बनाए हैं। अब शंभ विधानसभा की बात करें, अखनूर की बात करें, जम्मू की बात करें, आरसपुरा की बात करें, हर जगह लोग जानते हैं भाजपा के ऊपर भरोसा नहीं है, जो भाजपा ने रखे हुए ना मुखबर पैदा देके। लेकिन कांग्रेस के ऊपर कैसे भरोसा करें, वो अपनी लड़ाई से छूटे तो लोगों की लड़ाई लड़े। अब कांग्रेस के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी की जो नीति है, माननीय राहुल गांधी जी जो खड़गे साहब की जो नीति है, जो भी पार्टी के खिलाफ चलता है, जो भी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, वो 10 साल के कांग्रेस का बालाज है। 10 साल के लिए पार्टी के अंदर उसको कोई सब नहीं करेगी, ये कांग्रेस के बालाज है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और कांग्रेस के भी कोई क्या मुद्दे होंगे अगले आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? क्या कुछ आपको लगता है कि अखनूर और छंभ को लेकर खास कांग्रेस करने जा रही है? सबसे पहले मुद्दा जो होगा, जितने भी डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम सबसे पहले, हमारी जब जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनेगी, हम उनको रेगुलराइज करेंगे। लगाए भी शायद आप ही की सरकार, हमने लगाए हैं तो हम ही परमानेंट करेंगे। नंबर दो, आपके समय में भी लगभग 6-7 साल तक ये लोग लगे रहे, तब क्यों नहीं आखिर इन लोगों को परमानेंट किया गया? देखो जब आपको पता होगा, जब हम ये मसला हल करने वाले थे तो वो एक 2014 में बाढ़ आ गई थी, वो बाढ़ में हमारा जो हमारी सरकार चली गई, अगर लोगों का भविष्य उस बाढ़ में चला। नहीं देखिए, हम जो कांग्रेस ही परमानेंट करेगी, भाजपा के बड़े बड़े लोग जो कहते थे जे पाप है, आपको शायद आप पत्रकार हैं, आप उनको कवर भी किया था, जे पाप है, मेंबर पार्लियामेंट आए तक उन्होंने बात नहीं की। लेकिन आने वाले समय में सबसे पहले मसला डेली वेजरों का होगा, जो 10 साल की टीचर की भर्ती, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बीएड करके बैठे हुए हैं, अब उसी तरह पे भर्ती होगी, अरेबरे तलीम अरेबरे सेद, उसी तरह पे पोस्टें क्रिएट की जाएंगी और आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। पुलिस की भर्ती, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पुलिस की भर्ती जगह जगह DG, जैसे हम DG नाम भर्ती का नाम दिए थे, अखनूर डिग्री कॉलेज में भी स्पेशल भर्ती होती थी, अखनूर डिग्री कॉलेज में भी हुई थी, खोड़ में भी हुई थी, मल्ला ड्राप हुई थी, प्रगवाल हुई थी, बॉर्डर के लोगों को सुविधा मिली थी। उसके बाद अग्निवीर स्कीम जो है पूरे देश में उन्होंने नौजवानों का बेड़ा कर किया है। भाजपा का मेंबर पार्लियामेंट 5 साल के लिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 15-15 साल नौकरी करते हैं। प्रधानमंत्री जी 70 साल के हो गए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जम्मू कश्मीर हमारे नौजवान युवा जो है वो अग्निवीर 17 साल से लेकर 21 साल तक, उनको कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, वो अग्निवीर कैंसिल होगी और पहले की तरह खुली भर्तियां रैली की तरह होगी। क्या अकेले कांग्रेस सरकार बनाने का दम रखती है? क्योंकि आपने पिछले MP चुनाव जो है वो अलायंस में लड़े थे, इंडिया अलायंस नाम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP उससे बाहर हो गई थी। लेकिन अब बात करें तो फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया है कि अलायंस नहीं होगा, ऐसे में कांग्रेस अकेले किस तरह से इस चुनाव को लड़ेगी? देखिए ये बड़े लेवल की बातें हैं, जब इलेक्शन होगी, इलेक्शन जीत के बाद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट कश्मीर से मिलेगा या जम्मू को कांग्रेस से मिलेगा, तो सरकार उसी की बनेगी जो जनता मैंडेट देगी। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बनाएगा।
आप लंबे समय से ताराचंद जी के साथ जुड़े हैं, आए दिन भी अभी जो है आपकी एक्टिविटीज़ जो है अखनूर और शाम दोनों जगह पे चल रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर इतना बड़ा नेता पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद चुनाव कहाँ से लड़ने जा रहे हैं, अखनूर से लड़ने जा रहे हैं या शाम से लड़ने जा रहे हैं? देखिए ताराचंद जम्मू कश्मीर की हर एक सीट को जिताने का रोल रहेगा ताराचंद का। ताराचंद बहुत बड़े नेता हैं, ताराचंद का कद जो है वो स्टेट लेवल पे है। ताराचंद अखनूर में भी कंपेन करेंगे, खोड़ में भी कंपेन करेंगे, मढ़ में भी कंपेन करेंगे, क्या नाम है रामगढ़ में कंपेन करेंगे, जम्मू कश्मीर चुनाव कहाँ लड़ेंगे? वो कमेंट कमेटी के चेयरमैन है, चुनाव कहाँ लड़ेंगे? जहाँ भी पार्टी चाहेगी जहाँ भी ताराचंद चाहेंगे वो वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और सरकार के वो लीड करेंगे, माने ताराचंद जी से करेंगे, क्योंकि पहले की तरह लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आज जम्मू सेक्रेटरी के अंदर अतुल जी मैं बताना चाहूँगा, जब ताराचंद जी असेंबली में पहुँचे थे मात्र 2 लोग डोगरे थे बाजो असेंबली के अंदर लगे थे, आज 100 से भी ज़्यादा लोग हैं, मोर देन 90-95% अखनूर खोड़ के लोग लगे हुए हैं। ये ताराचंद की देन है, डेली पे जो लगवाए थे ताराचंद बनाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भाजपा के बड़े बड़े लोग बातें करते हैं ताराचंद जी के खिलाफ, ताराचंद जी वो लीडर हैं जो सब कमेटी के चेयरमैन बने, 69 यूनिट, चाहे वो सब डिविजनों की बात करें, तहसीलों की बात करें, ब्लाकों की बात करें, जे 69 यूनिट कश्मीर से ज़्यादा जम्मू लाए हैं, ये ताराचंद की देन है। ये जम्मू को पहला ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो कश्मीर से जम्मू लाए हैं। बाकी भाजपा के लोगों ने क्या किया, आज मैं आपको बताऊं भाजपा के लोगों ने क्या किया। आज अखनूर के अंदर, खोड़ के अंदर जो चुनाव दरिया की बात कर रहे हैं, पानी बह रहा है। अतुल जी मुझे बड़ा अफसोस होता है, भाजपा के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रेशर लगाया हुआ प्रगवाल गढ़काल के अंदर, वो लोग जिन्होंने वो पानी को लगाने में हर्ज किया, अगर किसी के पास कोई लीगल परमिशन है। मैं बताता हूँ ना, पहले पुलवाल खड्ड में था, खड में उठा के जो पूरा दरिया, सरकार किसी को अनुमति देती है, आप इस तरह से कैसे इल्जाम किसी पे लगा? मैं बता रहा हूँ ना, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। चुनाव दरिया का पानी का पूरा डाइवर्ट कर दिया, वो तो इंद्री में ब्रिज बन रहा है उसके कारण उसको डाइवर्ट किया। अतुल जी आप बिना साक्ष्य के ऐसे कैसे कह सकते? सर्दियों में जो मशीन आप देखे ना जाके गढ़काल में, पिछले बिल्कुल देखा हुआ, मेरे को लगता है शायद आपने वो पुल नहीं देखा जिसके लिए पानी को डाइवर्ट किया। पुल भी देखा है, पुल भी नलायकी भाजपा की है, पुल बनाने में नलायकी लाने वाले कांग्रेस के नेता है। 206 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया था, ये ताराचंद की देन है। कितने समय तक वो फैसला ही नहीं कर पाए कि खोड़ में बनाना है या इंद्री में बनाना है, इसी वजह से इतना डिले हुआ? नहीं, इसकी वजह से नहीं हुआ था। आज वो पुल जो क्या नाम है उसका, वो जो दरिया का चुनाव का पानी को डाइवर्ट किया इंद्री पतन वो लेके खोड़ तक, अगर दरिया टूटा तो खोड़ और हुनूर के लोगों को तबाह कर देंगे। मैंने डीसी साहब से भी बात करनी है, अभी एलजी साहब से भी बात करूंगा। गोदरा जी लंबे समय से आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, एक आखिरी सवाल, क्या बोधराज हमेशा इसी तरह से खाली मुद्दे ही उठाएंगे या कोई चुनाव लड़ने का मौका भी बोधराज को कांग्रेस देगी? देखिए जो पार्टी का फैसला है, बोधराज पार्टी का कार्यकर्ता है, बोधराज जम्मू अखनूर जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, बोधराज जम्मू कश्मीर के युवा का हथियार है। जब चाहे जम्मू कश्मीर का नौजवान इसको इस्तेमाल कर सकता है, जब चाहे जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाएगा। आपकी मंशा क्या, पावर मिले तो कुछ ज्यादा आवाज उठा? देखो ये जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी, हमारी कांग्रेस हाईकमान तय करेगी। जब भी इच्छा क्या है आपकी, इच्छा बोधराज शर्मा वो है जो ग्राउंड से निकला। बोधराज शर्मा पार्टी एसआरओ 43 के साथ लीडर नहीं बना हुआ है, कुछ लीडर ऐसे हैं जो एसआरओ 43 के साथ बने हुए हैं। बाप मर के तो नौकरी लेने नहीं, बाप मर के तो फलाना हो जाना। बोधराज शर्मा ग्राउंड से आवाज उठाएगा। बोधराज शर्मा अभी भी, आप चुनाव लड़ना चाहते? देखिए बोधराज शर्मा अभी भी एमएलए से ज्यादा पावर रखता है। अगर जनता ने आशीर्वाद कही, पार्टी ने हाईकमान ने सोचा, तो हम जम्मू कश्मीर को एक अच्छे बुलंदी पर ले जाएंगे। एक पार्टी के हमारे, हम चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन हमारे नौजवानों की बात करें, करप्शन के खिलाफ बात करें, माफिया के खिलाफ बात करें, पेपर लीक हो रहे हैं जो भाजपा के लोग करवा रहे हैं। अगर कभी बोधराज शर्मा को मौका मिला अतुल जी, तो ये बता देंगे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ना, अभी जो बड़े बड़े चुनाव दरिया के खड्डे घेरी हुई है, जो बड़े बड़े जिन्हें सबसे पहले अगर कार्रवाई होगी इन लोगों पे होगी, जो बोधराज शर्मा का। तो ये थे कांग्रेस के बड़े नेता बोधराज शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम उन नीतियों के ऊपर प्रहार किया गया, और इन्होंने साफ किया कि आने वाली सरकार जो है इनका दावा है कि वो कांग्रेस बनाएगी। ये तो अब जनता ही तय करेगी कि आगामी विधानसभा चुनावों में लोग किस पार्टी को चुनकर जो है वो विधानसभा में भेजते हैं। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन मोहित के साथ, जय हिंद जय भारत।